अच्छा जी भाई, हमारे सामने है बिल्कुल इंडियन रेस्टोरेंट और इसका नाम है इंडियन टेस्ट। जो जी भाई, यहाँ पे जो है बूफे लगे हुए हैं तो भाई ओनली लगते हैं आपके सिर्फ 17 में। क्या फील नहीं होता क्षमा? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में बिल्कुल मजे में होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज मी फिरोज अहमद खान एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर फिरोज व्लॉग। सबसे पहले तो खुई इधर आ भाई। जो लोग भी भाई मिस कर रहे थे ना कि भाई इरशाद किधर है, खुई किधर है और असद किधर है। असद तो आता रहता था लेकिन खुई नहीं आता था। तो भाई ये चेक करो, ये चेक करो और ये चेक करो, हम सारे साथ हैं भाई अल्हम्दुलिल्लाह से। तो भाई अभी हम सारे तैयार क्यों हो चुके हैं? असद भी भाई पेट छुपा ले भाई, ये चेक कर सकते हो। इरशाद भी तैयार हो चुका है, खुई भी तैयार हो चुका है और असद भाई भी तैयार हो चुका है और मैं भी तैयार हो चुका हूँ। एंड वी आर गोइंग टू नॉट यूएसए, जिनान जा रहे हैं। ठीक है, जिनान ये साथ ही सिटी है हमारे, एक मतलब के है तो एक नजदीक सिटी, लेकिन भाई जिनान को भी हमने यूएसए बनाया हुआ है भाई। कब से हम प्लान बना रहे थे, कभी जाना है जाना है, लेकिन भाई प्लान ही नहीं बन रहा था। तो भाई आज प्लान बना है, अभी हम तैयार हुआ है। सुबह जो है हमने क्लासेस लिया आराम से, चुप करके अच्छे बच्चों की तरह क्लासेस लिए हैं। अभी इस वक्त टाइम हो रहा है, तुम लोग चेक कर सकते हो, 4, और अभी हम सारे तैयार हो चुके हैं भाई, निकल रहे हैं। जो जो सीन होता जाता है आप लोगों को दिखाते जाते हैं। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना और भाई लोगों के साथ लाजमी शेयर करना है। देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है और इंशाल्लाह वहां पे स्टे करेंगे, इंशाल्लाह वहां पे स्टे होगा और कल वापसी होगी। देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरता है। तो भाई निकलते हैं। अच्छा भाई, लोग जाते हैं ट्रेन से, ठीक है, 27 की टिकट कराते हैं, 27 RMB की, और लोग जाते हैं ट्रेन से। लेकिन भाई हम इतने अमीर हैं कि हमारे लिए भाई टैक्सी आ चुकी है और ये टैक्सी हमें कोई 200 या 250 RMB की पड़ती है। तो भाई इन्होंने कहा कि भाई टैक्सी से जाना है तो भाई टैक्सी से चलते हैं। और ये जिनान वो सिटी है कि अगर आप मतलब हमारी यूनिवर्सिटी आते हैं ना, अगर आप बीजिंग से नहीं आते तो जिनान ऐसी सिटी है कि जिनान में आपको एयरपोर्ट मिल जाता होता है और जिनान में भी आप लैंड कर सकते हैं। तो जिनान के नज़दीक हमारी यूनिवर्सिटी बहुत नज़दीक है, ये 60 किलोमीटर पर जिनान है, इसलिए भाई टैक्सी वगैरह करवाई हुई है और भाई निकलते हैं। हाँ भाई, क्या कर रहे हो, जल्दी आओ ना भाई, टैक्सी हमारी खड़ी है। ये तो ऐसे तैयार है, बंदा कहते हैं कि वो दुल्हन को लेने जाना होता है। ये तुम लोग चेक कर सकते हो, ये क्या है, ये लकी कलर, ये भाई दुल्हन को हम लेके जा रहे हैं, टैक्सी फुल तैयार है। आ हा 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 भाई, निकलते हैं और मिलते हैं फिर आपको बाद में। चलो जी, तो भाई पहुंच चुके हैं जिनान और इस वक्त भाई आप लोगों को क्या दिखाएं, रात के अंधेरे में तुम लोग चेक कर सकते हो, इंशाल्लाह सुबह ही दिखाएंगे। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तुम लोग चेक कर सकते हो, ये है भाई जिनान। हाँ इरशाद पहुंच गया है, कैसा सफर था भाई? अगर आप ट्रेन पे आते हैं ना तो भाई ओनली लगते हैं आपके सिर्फ 17 में। क्या फील नहीं होता क्षमा? वेलकम टू जिनान, असद के साथ प्रैंक हो गया भाई। अच्छा, अगर आप आते हैं ट्रेन पे तो 17 मिनट में भाई पापा पहुंच जाते हैं, लेकिन हम आए हैं टैक्सी पर तो भाई 1.5-2 घंटा लग गया है। क्यों इरशाद, टाइम लग गया ना? बहुत टाइम लग गया। असद मैंने पहला चाइनीज देखा इतने गुस्से में, सच में। अच्छा, हमारी जो मेन प्रायोरिटी है ना वो थी क्या, इंडियन रेस्टोरेंट आने की, क्योंकि भाई हम जो है पाकिस्तानी और इंडियन खाने को यहाँ पे मिस करते हैं बहुत ज्यादा।
तो भाई हमारी जो मेन प्रायोरिटी थी वो थी 7 बजे वाली बूफे की, क्योंकि यहाँ पे जो इंडियन रेस्टोरेंट है जिनान में, तो यहाँ पे 7 बजे जो है बूफे लगता है, तो उसके लिए हम आए हुए हैं। फिलहाल अभी लोकेशन पे आए हैं, रेस्टोरेंट वगैरह ढूंढते हैं, देखते हैं, अगर यहीं पे है तो ठीक है, यहाँ पे नहीं है तो फिर दूसरी जगह जिस जगह पे है पहुँचते हैं, फिर आपको मिलते हैं और दिखाते हैं, एक्सप्लोर करवाते हैं आपको इंडियन रेस्टोरेंट। अच्छा जी भाई, भाई असद असद के साथ जो सही वाला भाई वो चाइनीज जो है पीछे से पाँ भाई सबके साथ जो ना सबके साथ सीन हुआ था और उसमें वेलकम टू जिनान बोला था, हम तो साइड में खड़े थे, वेलकम टू जिनान रहा तो मैं आगे जा रहा था अपने व्लॉग में जा रहा था, अच्छा फिर हमारा मैंने व्लॉग में देखा अभी वो पी 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 लगा हुआ था जब वो नहीं कर रहा तो मैं अपने व्लॉग में था ना भाई, हम मैं बाप की सड़क समझ गया। अच्छा यार भाई अभी यहाँ से दोबारा टैक्सी कराई है दूसरी, क्योंकि ये वो लोकेशन नहीं है जहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है, तो भाई भूख बहुत लगी हुई है, इंशाल्लाह तुन के खाएंगे। क्यों भाई 7 बजे जो है, 7 बजे जो है बूफे लगता है। एक दफ़ा मैं पहले भी यहाँ पे आया हूँ, लेकिन अगर आप नॉर्मल डेज में आते हैं तो भाई आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, 15-20 हज़ार का आपका एक टाइम का खाना बन जाता है, 350-400 यूआन तक। लेकिन अगर आप आते हैं बूफे वाले दिन यानी आज फ्राइडे, तो 7 से 10 अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, लड़के ऐसे कहते हैं, हम अभी तक आए नहीं हैं, तो चलते हैं देखते हैं इंशाल्लाह जो है हमें बूफे मिलेंगे और इंशाल्लाह मज़ा आएगा बड़ा। अभी लोकेशन वगैरह डाली हुई है, टैक्सी आती है और पहुँचते हैं। अच्छा जी भाई, तो लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और फिलहाल जो है असद भाई को, भाई आपको क्या मसला है फिलहाल आप बता सकते हैं मुझे? आपको बहुत इम्पोर्टेंट मसला फिलहाल हो रहा है, आप अगर बता सकते वॉशरूम वो मूत्र लगा। अच्छा जी भाई, हमारे सामने है बिल्कुल इंडियन रेस्टोरेंट और इसका नाम है इंडियन टेस्ट। जो जो भी जिनान में रहते हैं या थायान में रहते हैं आप लोगों को पता होगा, और जो लोग नहीं आए यहाँ पे फिलहाल तो भाई यहाँ पे आप आ सकते हो, ये चेक करो, और भाई बहुत मज़े का खाना होता है। और हमने एक प्लान बनाया कि भाई अंदर जो चाचू होते हैं, इंडियन चाचू हमारे, ठीक है, इंडियन चाचू को मैं बोलूँगा, क्या बोलेंगे हम लोग हैंगयांग से, हम हाँ मुझे तो जानते हैं, मैं पहले आ चुका हूँ लेकिन ये लोग नहीं आ चुके, तो भाई इनको इनका मैं बताऊंगा कि भाई ये लोग बड़े दूर से आए हैं हैंगयांग से, तो भाई अच्छे वाला बूफा खिलाना है, ठीक है, ये चाचू के साथ प्रैंक करेंगे, फिर बाद में बता भी देंगे बस थोड़ा सा मजाक, भाई शॉर्ट वॉट बना ले यूट्यूब के लिए। भाई यहाँ से हम इंटर होने लगे, आप लोगों को पहले चेक कराते हैं, ये है जी इंडियन टेस्ट, ठीक है, और ये जो है मेन एंट्रेंस है, भाई आप जाओ, आप जाएँ तशरीफ़ रखिए, ये मेन एंट्रेंस है और मिलते हैं चाचू से यहाँ पे। पहले पहले एक चाइनीज होगा काउंटर पे, ठीक है, आपको चाइनीज मिलेगा, पुश करना है। अच्छा भाई यहाँ से हम इंटर हो गए हैं, पाकिस्तानी फ्लैग भी बना हुआ है और चाइनीज फ्लैग भी बना हुआ है और इंडियन फ्लैग भी बना हुआ है। पंगियो निहा पंगियो शुशु नाली इंडियन इंडियन शुशु नाली क्या कहते हैं, ये इसने पहले से हिसाब बता दिया भाई। यहाँ से आप इंटर होते हैं तो ये आपका काउंटर होता है, ये चाइनीज़ फंगियो है, ठीक है, यहाँ पे आपके सारे फ्लैग लगे हैं, पाकिस्तानी चाइनीज़ और इंडियन, रेस्टोरेंट इंडियन है इसलिए भाई इंडियन फ्लैग भी लगा हुआ है, और ये माहौल तुम लोग चेक कर सकते हो, ये सारा जो है इनका रेस्टोरेंट है। अभी चलते हैं शुशु के पास और शुशु को बोलते हैं कि भाई हमें स्पेशल किस्म का बूफे चाहिए। अच्छा जी भाई, अभी चाचू आई थिंक अंदर होंगे, खाना शाना बना रहे होंगे, सलाम सलाम करते हैं, आई थिंक, मुझे पता नहीं है कि मुस्लिम है या नहीं है, लेकिन फिर भी चाचू जी अस्सलाम वालेकुम, चाचू बाहर आए ना, हमने वीडियो बनानी है, चाचू जो है अभी काम शाम कर रहे हैं, खाना शाना बना रहे हैं, आपको मिलवाते हैं चाचू से। अच्छा जी भाई, यहाँ पे जो है बूफे लगे हुए हैं, फ्रॉम फर्स्ट 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 चिकन बटर चिकन, दिस इज हाँ, दिस इज आलू हाँ, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही है, लेकिन जो जो बोलता जा रहा है सुनते जाओ, चिकन टिक्का पकोला 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 वहाँ पकोड़ा पकोड़ा बोल रहे हैं पकोला, और ये जो है सारे मतलब ये इसको आई थिंक वो कहते हैं यार, किसको क्या कहते हैं, फ्रूट चाटनी है वो, दही भल्ले कहते हैं, ओके आई थिंक सो, और ये आपकी रोटियां, ये गोलगप्पे, और ये सारा आपको जो है मतलब एक ही पैकेज में मिलेगा, ये नॉर्मल डेज में नहीं होता। चाचू जी अस्सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, मेरे फैन से मिली है ये हमारे चाचू, चाचू आप अपना नाम बताएंगे अपना नाम बताएंगे मेरा नाम मक्खन सिंह है सर, मक्खन सिंह, तो चाचू जी आप इंडिया के किस इलाके से हैं?
मैं वैसे देहरादून से सर, देहरादून से हम बड़े दूर से आए हैं, मैं दूर से नहीं हूँ, मैं थयान से आया हूँ, लेकिन ये जो मेरे दोस्त हैं ये बड़े दूर से आए हैं, तो इनके लिए जो है स्पेशल किस्म का हेल्प करेंगे आप फिर ये सारा आप बता सकते हैं कि मतलब इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम ट्राई करते हैं। और मैं पिछली बार आया था अगर आपको याद हो, बहुत अच्छा खाना था, ये सारे मेरे दोस्त हैं बड़े दूर से आए हैं, ठीक है, तो ये आप हम आज टेस्ट करने आए हैं। अच्छा जी भाई यार खाना तो स्टार्ट करने लगे हैं, पेमेंट वगैरह हो चुकी है और खाना इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि टेस्ट कैसा है। मुझे पता है कि टेस्ट कैसा है, मैं अभी फिर खा के आपको दोबारा बताऊंगा कि भाई टेस्ट कैसा है। भाई यहाँ पे भाई काम कर, तंदूर वाली रोटी तूने सिर्फ प्लेट पकड़ी हो, ये पकड़ काम कर उठा भाई। आज कसम से भूख लगी हुई है, कोई बड़ी ज़्यादा किस्म की भूख लगी हुई है, रास्ता बहुत लंबा था भाई, खाना तुन्न है भाई। अच्छा जी भाई यार जो जो चीज़ें पड़ी हुई थी ना सारी जो है हमने टेस्ट के लिए रख दी हैं, ये फिलहाल टेस्टर है, ठीक है, ये स्टार्टर है, ये स्टार्टर है, हाँ अभी स्टार्टर है। अब सीन ये है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी होगी ना उसको भाई ले आएंगे, पूरे जो कढ़ाई उठा के ले आएंगे। ये भाई है सारा कुछ आपको वैसे उन्होंने बता दिया, बटर चिकन, ये पकौड़े हो गए, वो कह रहा था पकौले पकौले, और ये चिकन है, ये उसके बाद राइस है, ये भी आई थिंक वो है मटन हो गया, ये भी आलू का सालन हो गया, आलू भुजिया हो गई आई थिंक जो भी है, और ये रोटियां। तो भाई टेस्ट करते हैं और जो सबसे अच्छा होगा फिर वो ज्यादा भाई मैं तुझे इशारा करूंगा, जो चीज़ अच्छी होगी पकड़ ला, कढ़ाई पूरी पकड़ ला। सबसे पहले जो है बटर चिकन, मुझे पता है कि बहुत अच्छा होता है तो मैं वो टेस्ट करने लगा हूँ। आजा भाई आजा, इंडियन खाने को क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं इंडियन खाने, इंडियन फूड बोलते यार। उनका जो बटर असद हो, बटर चिकन टेस्ट कर यार, बहुत लेवल का है। खाना वगैरह खाते हैं और फिर मिलते हैं आपको बाद में, क्योंकि भाई व्लॉग नहीं बन सकता, बहुत मज़ेदार खाना है भाई, मज़ेदार दाडू मजा आया हाँ अरशाद, कैसा टेस्ट है बहुत मजा, असद हो अभी खाया ही नहीं, खाया नहीं है, जो टेस्ट कर रहा था रास्ते में, मैं इसको बोल रहा हूँ भाई नहीं जा रहा कहीं, देर खौंदावर मैं इसको बोल रहा हूँ कहीं नहीं जा रहा भाई, अभी प्लेटों में डाल रहे थे और ये खा रहा था। खैर खाना वगैरह खाते हैं फिर मिलते हैं आपको बाद में। हाँ जी भाई, तो गुलाब जामुन आ चुके हैं, खाना वगैरह खा लिया है, और असद की तरह गुलाब जामुन, असद क्या है क्या है ये, इधर देख भाई, ओ भाई कितना बिजी है ना गुलाब जामुन। तो भाई ये हमारी एंडिंग है, इसके बाद इंशाल्लाह चाय मंगवाते हैं और चाय देखते हैं चाय कैसी है। हाय 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 हाय, उफ 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 उफ, मजे का भाई लेवल। अच्छा यार, तो खाना वगैरह खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह से, ये जो है रेस्टोरेंट से हम फ्री हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, खाना बहुत ही मजे का था, है ना इरशाद, कैसा था खाना भाई तुम लोगों को जो है वो कराते हैं। पीछे ना जा भाई तू आ रहा है, ये जब भी मैं किसी का व्लॉग बनाता हूँ तो पीछे जा रहा है, पीछे क्यों जा रहा है बता, खाना कैसा था, खाना कैसा था, बहुत अच्छा था। हाँ खुई खाना कैसा था, गाड़ा मजा आया, बहुत मजा आया यार, काफी टाइम बाद अगर आप पाकिस्तानी या इंडियन खाना खाते हैं बड़ा मजा आता है, पैसे तो लगते हैं अच्छे खासे लगते हैं, बताने के लायक नहीं है, लेकिन बुफे था मतलब स्पेशल डे था तो आज, इसलिए अगर जब भी आपने आना हो किसी ने भी मेरी यूनिवर्सिटी से या इधर जिनान में जो भी है मतलब किसी ने भी आना हो तो बुफे जो डे होता है ना जुम्मे वाले दिन फ्राइडे, तो फ्राइडे को आना, फ्राइडे के बगैर ना आना, फ्राइडे के बगैर बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, फ्राइडे को भी लगते हैं लेकिन थोड़े से कम लगते हैं। और असद भाई की जो है पिक्चर वीडियोज़ वगैरह कम्प्लीट हो चुकी हैं भाई। अच्छा यार अभी आपको एक अजीब सी गेम दिखाते हैं, ठीक है, तुम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कैसी गेम है, रेस्टोरेंट के बिल्कुल बाहर हैं और यह जब मैं पहले भी आया था मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई थी और मैं बहुत ज़्यादा हंसा था, स्ट्रीक भी मैंने भेजी थी। क्या देख रहा है भाई, गेम ही देख रहा हूं, ये चेक करो भाई गेम चेक करो। अच्छा 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 हाँ भैया, अच्छा आप फांगियो 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 भाई, ये चेक करो तुम लोग, बड़ी अजीब सी गेम है कसम से, ये चेक करो न्यू गेम भाई, पता नहीं कौन सी गेम है, इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है लात मार गेम, ये चेक करो। अच्छा यार, जैसे हमारा जो है थयान का वांडा होता है ना, तो ये है जिनान का वांडा, ये तुम लोग चेक कर सकते हो, ये आई थिंक माल है, ठीक है, अंदर और जहाँ से हम निकले हैं ये तुम लोग चेक कर सकते हो, ये सारी बिल्डिंग है और अपार्टमेंट वगैरह, भाई माहौल तुम लोग चेक कर सकते हो। कोई बताना यार ये क्या है,
वांडा है, ये वांडा ही है, वांडा मॉल ढूंढ रहे हैं। ये जैसे हमारा थयान का वांडा है ना, तो ये जुनान का वांडा है। और इस वक्त ऐसे हम घूम रहे हैं, तकरीबन टाइम है 9 बजे का, और ठंड जो है नॉर्मल है, जैकेट्स वगैरह पहने हुए हैं, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे घूमेंगे। स्नैप पे जा रही है ना, किन को भेज रहे हैं स्नैप पे? सबको, सबको भेज रहे हैं। अच्छा जी, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे घूमते हैं और फिर जो है व्लॉग को एंड करते हैं। यहाँ पे मैं जो है व्लॉग को एंड करूँगा, क्योंकि भाई जो बाद वाला सीन है कुछ जो है वॉइस चिल होता है, ठीक है, वो सब कुछ नहीं दिखाया जाता व्लॉग में। शर्म कर यार, कहते हैं वो। अच्छा, तो जो कुछ जो है वॉइस चिल होता है, तो यार इस व्लॉग को जो है आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे एंड करता हूँ, क्योंकि बस यही थोड़ा सा आगे जग जाना है, बस ऐसे घूम फिर के फिर वापस आने हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, दुआ में तो लाजमी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और अभी हम इधर स्टे ही करेंगे, और कल भी इंशाल्लाह आप लोगों को जो सीन होता जाएगा वो भी दिखाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, जय जी एन, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय।